हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने डेट शीट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम ड्यू ACEN वेबसाइट पर आनी है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके बाद आपको यह डेट शीट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो अब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डेट शीट ओपन हो जाएगी। जैसे कि आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर जो आपको दिखेगी, तो ये वाली जो डेट शीट है, जो आपके 2023 में एडमिशन लिए स्टूडेंट ने सेमेस्टर फर्स्ट में, ठीक है, और जो स्टूडेंट सेमेस्टर थर्ड में एडमिशन लेंगे, अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए, जो उनके अकॉर्डिंग ये डेट शीट आपको देखने को मिलेगी। और ये ड्यू के स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज, SOL कॉलेज और NCVAP कॉलेज, तीनों की डेट शीट इसी के अकॉर्डिंग है, आपको चेक अच्छे से करनी होगी। तो जो आपके पेपर होंगे ना, देखिए दिसंबर से लेके फरवरी मंथ के बीच में ये चलने वाले हैं आपके पेपर 2023 से 2024 में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे फर्स्ट में जो रेगुलर कॉलेज है और SOL है, जो BA ऑनर्स स्टूडेंट है, फिर इसके बाद जो BA प्रोग्राम के SOL, NCVAP है, SOL का है, तो इसी टाइप से आपको चेक करना। जैसे BA प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट एंड थर्ड की डेट शीट यहाँ से ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से आपको डाउनलोड करके ये आपको चेक करना, देख सकते हैं। यहाँ लिखा भी है आपको अच्छे से कि सेमेस्टर फर्स्ट एंड थर्ड के लिए 2022-23 वाले स्टूडेंट के लिए जनवरी में होंगे, दिसंबर में होंगे, फरवरी में आपके पेपर होंगे। तो जैसे आपको दिख रहा है, सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर आपको 16 दिसंबर को देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं, 16 दिसंबर से स्टार्टिंग हो जाएगी जो न्यू स्टूडेंट है जो एडमिशन लिए। अगर मान लीजिए आपने 2023 में भी एडमिशन या 22 में लिया था, तो आपका सेमेस्टर फर्स्ट में किसी सब्जेक्ट में बैक आई है, जो अभी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, वो भी इन डेट शीट के अकॉर्डिंग सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो सेमेस्टर थर्ड का पेपर है, आप देख सकते हैं 31 जो आपका दिसंबर है उसको अकॉर्डिंग स्टार्ट होने जा रहा है। तो लास्ट दिसंबर के दिन आपका पेपर स्टार्ट होगा सेमेस्टर थर्ड का। इसी टाइप से जो आपका अपने सब्जेक्ट देखने, सिलेबस देखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने पेपर कोड मिला के आप ये देख सकते हैं। BA प्रोग्राम के डेट शीट लास्ट पेपर जो आपके फरवरी के अकॉर्डिंग चलेंगे 11 फरवरी को है, देख सकते हैं। और जो सेमेस्टर फर्स्ट का भी पेपर जो आपका लास्ट है 10 फरवरी को यहाँ देखने को मिल रहा है 2024। ये तो हो गई जो कि आपकी सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर थर्ड की डेट शीट। सेमेस्टर फिफ्थ के डेट शीट को कैसे डाउनलोड करेंगे वो देख सकते हैं। तो इसी के जब आप नीचे आएंगे, यहाँ सेमेस्टर फर्स्ट एंड थर्ड के डेट शीट के बाद ये आप देख सकते हैं जो 2019 के एडमिशन से लेकर 2022 से पहले एडमिशन लिए उसकी डेट शीट यहाँ पर है। ये देख सकते हैं जो CBSE सेमेस्टर के अकॉर्डिंग था आपका सेमेस्टर, ये भी दिसंबर जनवरी में 2 मंथ पेपर चलेंगे। और ये आपको यहाँ सब्जेक्ट देख सकते हैं, ऑनर्स स्टूडेंट के लिए है जो रेगुलर कॉलेज से कर रहे हैं। उसके बाद आप नीचे करेंगे तो ये SOL की डेट शीट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, ये वाली SOL की दिसंबर जनवरी में, ये देख सकते हैं। तो SOL का पेपर कब से स्टार्ट है, इस पर क्लिक करेंगे, ऑनर्स का किया है, जैसे कि आप इसे टाइप से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जो आपको सबसे पहले आपको दिख रहा है 13 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है सेमेस्टर फर्स्ट का, अगर बैक आई है इसमें तो, और नहीं तो जो फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर है आपको 18 दिसंबर से देखने को मिल जाएगा, पॉलिटिकल ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट की। तो इसी टाइप से आपको गाइस डेट शीट को डाउनलोड कर लेना और चेक कर लेना अपना पेपर कोड के अकॉर्डिंग। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। और ये टेंटिफिक डेट शीट है जो कि आपके पेपर में 90% चांस है कि यही डेट शीट होगी, 10% हो सकता है तो डेट शीट को चेंज कर दिया जाए। तो सेमेस्टर फर्स्ट एंड थर्ड एंड फिफ्थ स्टूडेंट अपनी डेट शीट को डाउनलोड करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। अभी तक आपके एडमिशन नहीं हुए तो टेंशन मत लीजिएगा, एडमिशन बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, थैंक यू।